तो देखा आपने किस तरीके से बाबा ने अपना ये बड़ा आश्रम बनाया हुआ है, लेकिन एक और आश्रम आपको दिखाते हैं। कथित बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण हरि साकार, इसका एक आश्रम कानपुर में भी है। हम आपको पहली बार दिखाएंगे कि कैसे बाबा का आश्रम बाहर से किसी किले की तरह दिखता है, तो अंदर किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। जरा देखिए, कैमरे पर पहली बार बाबा के राज। बाबा सूरजपाल के आश्रम में रिपब्लिक भारत। कैमरे पर आश्रम का हर राज बेपर्दा। कानपुर में आश्रम है या रिजॉर्ट, होटल जैसे आलिशान लॉन, महल से कम नहीं है बाबा का आश्रम। ये शानो शौकत और नाम के बाबा। अब तक आपने सूरजपाल के आश्रम के बाहर से झलक देखी होगी, लेकिन आज हम आपको इस आश्रम का कोना कोना दिखाएंगे। वो शान और शौकत दिखाएंगे जो आश्रम के नाम पर जुटाई गई थी। पहले आश्रम के बाहर का नजारा देखिए, किसी किले की तरह यह आश्रम दिखता है। अब हम आश्रम के अंदर की तरफ आपको लिए चलते हैं। फूलों की लड़ियां करीने से लगी हैं, तैयारी पूरी है। बाबा आए या ना आए, लेकिन आश्रम को सजा संवार कर रखा जाता है। अब बारी है उन चीजों को देखने की जिससे दुनिया अनजान है। कैमरे पर पहली बार देखिए वो सजावट जो आश्रम के अंदर की गई। हर तरफ चमक दमक है, छत पर कई तरह के झूमर सजाए गए हैं, हर झूमर खास अंदाज में बना है। कानपुर के विदनू स्थित जो गांव है वहीं पर बने आश्रम में मौजूद है। और बात अगर की जाए तो देखिए किस तरह से इसको पूरा मेंटेन किया हुआ है, सजाया हुआ एक तरह से कहा जाए, एक जिस तरह से लैविश एक रिसॉर्ट होता है उसके रूप में इसको सजाया गया है। पूरी दीवालों पर देखिए कैसे फूलों की जो कलियां हैं वो लटकी हैं, लड़ियां देखने को मिल रही हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस भव्य सिंहासन की तरफ जहां बाबा बैठता था। देखिए उस जगह को कैसे संवार कर रखा गया है। पीछे भव्य तस्वीर लगी है, स्टील के चमकते पाइप से पूरी जगह को घेरा गया है। ये आश्रम देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से, ये वीआईपी एक काउच पड़ा हुआ है, उसके पीछे बाबा की फोटो लगी हुई है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, पूरा डेकोरेशन है, एक किला नुमा के रूप में ये आश्रम देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए ये झूला भी वैसा ही दिखता है जैसा हम जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा के लिए तैयार करते हैं। साइड में एक झूला है, जैसे कृष्ण कन्हैया जी का झूला होता है वैसे ही उसको मेंटेन करा हुआ है। देखिए कितना वेल मेंटेन्ड है ये आश्रम। फ्लोर्स की बात की जाए तो आपको अपना चेहरा दिख सकता है, इतनी चमक है, इस कदर साफ सफाई है। लेकिन इस पर एक बड़ा सवाल ये उठता है, यहाँ पर कई एक ऐसे कमरे हैं जिन पर ताले लगे हुए और उनकी चाबी साफ तौर पर जो सेवादार है उनका कहना है कि उनके पास नहीं है। कई रहस्यमयी जो ताले हैं वो यहाँ पर लगे दिख रहे हैं कमरों में, जिन पर साफ तौर पर सेवादार का कहना है कि उसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, उसकी चाबी भी उनके पास नहीं है। अब हम आश्रम के राज को खंगालते खंगालते उस कमरे तक जा पहुंचे जहां बाबा रुकता था। फिलहाल इस कमरे पर ताला लगा है। आश्रम के सेवादारों ने बताया कि बाबा जब भी आता था इसी कमरे में रुकता था। ये आश्रम पूरी तरह किले, रिजॉर्ट या होटल की तरह बना है, और कहने को हर आश्रम की तरह ये आश्रम भी किसी ट्रस्ट के नाम है। जाहिर है बाबा नाम दूसरों का आगे रखता था, लेकिन इसकी आड़ में इस तरह के किले में आश्रम को वो खुद के लिए तैयार करवाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।